वेलकम टू आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये तेरा घर ये मेरा घर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कराने वाली हूँ मंदार और प्राची के लैविश होम का टूर। इनका घर बहुत ही मॉडर्न है, क्लासी है और स्टाइलिश है। इन्होंने अपने घर का जो इंटीरियर करवाया है उसकी थीम इन्होंने कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न रखी है। दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, लेकिन इन्होंने अपने घर को बहुत ही खूबसूरती से मेंटेन किया है और डेकोरेट किया है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं मंदार और प्राची का लविश घर। तो मैं पहुंच गई हूँ प्राची और मंदार जी के घर पे। तो चलिए मारते हैं इनकी बेल। हाय प्राची, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे हो? हम भी बहुत एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। ये है बहुत ही प्यारी सी, सिंपल सी, स्वीट सी प्राची। सबसे पहले प्राची मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने अपने होम टूर के लिए हमें इनवाइट किया और अपने इस खूबसूरत घर को आप हमारे सारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने वाली हो। सो थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। आइए मिलते हैं प्राची के हस्बैंड से, मंदार भैया से। तो मिलिए प्राची के हस्बैंड मंदार भैया से। थैंक यू सो मच, आपने हम लोगों को अपने घर पे इनवाइट किया, अपना ये ब्यूटीफुल घर हमारे साथ आप शेयर कर रहे हैं, हमारे सारे व्यूअर्स को दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आपने इस घर का इंटीरियर कब करवाया और क्या थीम सोचा और मतलब क्या क्या प्लानिंग की थी? ओके, तो हमने 2 साल हो गया अभी इंटीरियर करवा के, और पहले जो हम ब्लू बेल में रहते थे तभी थोड़ा एक एंटिक विंटेज लुक वाला घर हुआ करता था हमारा। तो जब हमने ये घर बनाने को लिया तो हमने सोचा कि कंटेम्प्रेरी लुक देंगे, तो वो हिसाब से हमें मॉडर्न लुक चाहिए था। तो कुछ दोस्तों की मदद से, उनके आइडियाज़, कुछ यूट्यूब के आइडियाज़, पिंटरेस्ट, यहाँ वहाँ से चुरा के फाइनली हमने ये घर बनाया। तो अच्छा, आप इंस्पायर्ड हुए चारों तरफ से, देखिए कई जगह से और कई लोगों की राय लेकर के। लेकिन मेन तो क्यों होता है कि इंसान को खुद को अपना घर कैसा चाहिए होता है, क्योंकि अपने घर में इंसान की सोल बसती है। तो आप अपना घर बनाते हैं तो आपके अपने थॉट्स ज्यादा होते हैं और आप भी इंटीरियर वाले को बताते हैं कि नहीं हमें ये ऐसा घर चाहिए। तो चलिए अभी बिना देर करते हुए मैं आपको इनका घर घुमाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इनके एंट्री से। तो इनका एंट्री डोर भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये पूरा डोर वीनियर का बना हुआ है और इस पे पूरा बहुत ही खूबसूरत तरीके से व्हाइट कलर से इसको इनहेंस किया गया है। आप ये पैनल देख रहे होंगे, इस पूरे पैनल में व्हाइट कलर को रखा गया है, एक टेक्सचर दिया गया है, सो दैट कि और भी उभर करके आए इसकी ब्यूटी। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा इनका नेम प्लेट लगा हुआ है। और डोर में जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी वो इनका ये जो एक बहुत ही बिग साइज का हैंडल लगा है, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस डोर में। और इसमें छोटे छोटे ये कट्स दिए गए हैं सो दैट कि अगर कोई बेल बजाता है तो आप अपने दरवाजे से इसको देख सकते हैं कि कौन है। तो डोर भी बहुत खूबसूरत है। और अब चलते हैं, देखते हैं इनका घर अंदर से। तो स्टार्ट करते हैं लिविंग रूम से। उससे पहले मैं बता दूं कि ये 3.5 BHK अपार्टमेंट है। इसके लिविंग रूम का साइज काफी बड़ा है और पूरे कमरे को व्हाइट कलर से पेंट किया गया है, मतलब व्हाइट कलर डोमिनेंट है पूरे घर में। लाइटिंग की बात करें तो पूरे कमरे में वार्म व्हाइट लाइट की गई है और येलो लाइटिंग भी की गई है, तो लाइटिंग पूरे कमरे में प्रॉपर है। तो स्टार्ट करते हैं इनके एंट्री से। तो एंट्री करते ही यहाँ पर इनका ये बहुत ही स्लीक सा और अच्छा सा एक शू रैक है, जिसके ऊपर इन्होंने कुछ इंडोर प्लांट्स रखे हैं और हर पॉट के अंदर इन्होंने ये छोटी छोटी आर्टिफिशियल बर्ड्स रखी है जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है। साइड में यहाँ पर इन्होंने ये ब्लू कलर का वेलवेट फैब्रिक का एक स्टूल रखा हुआ है जिसके ऊपर बैठ करके आप इजिली अपना शूज पहन सकते हैं। अब बात करते हैं इस वॉल की, तो आइए इधर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है इनका टीवी यूनिट, के ऊपर यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत सी एक पेंटिंग लगी हुई है जो कि इस पूरे वॉल को बहुत इन्हेंस कर रही है। बात करते हैं टीवी यूनिट की, तो टीवी यूनिट इनका काफी बड़ा साइज में है, मतलब ये पूरी वॉल को इन्होंने अपने टीवी यूनिट
में कन्वर्ट किया हुआ है। इनके लिविंग रूम की ये सबसे बड़ी वॉल है जहाँ पर इन्होंने अपना टीवी यूनिट बनाया है। कंटेम्प्रेरी स्टाइल के जो घर होते हैं उनमें मोस्टली जो कलर यूज़ किए जाते हैं वो न्यूट्रल्स, ब्लैक्स, बेज, वाइट, ये सारे कलर उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। टीवी यूनिट के ऊपर जो मुझे सबसे सुंदर लगा वो है ये आउल, जिसकी नेक पूरी रोटेट होती रहती है। बहुत बड़ा मजा आया इसको देख के। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि काफी स्टाइलिश, क्लासिक और मॉडर्न थीम में इन्होंने अपने घर का इंटीरियर करवाया है, तो काफी सूदिंग है इनका ये पूरा कमरा। टीवी यूनिट से लगा हुआ यहाँ पर ये इनका एक मस्टर्ड कलर का डॉगी वाला छोटा सा टेबल है, और इनके दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको दिख रहा होगा स्पाइडरमैन और कुछ सॉफ्ट टॉयज इन्होंने लगा रखे हैं, बच्चों वाला घर है। और ये है इनका सिटिंग एरिया टीवी यूनिट के जस्ट सामने, तो यहाँ पर इन्होंने एल शेप का ये सोफा लगा रखा है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। कर्टन्स आपको दिख रहे होंगे कि फ्लोरल प्रिंट वाले, बहुत ही खूबसूरत। सोफे से लगा हुआ यहाँ पर इनका एक छोटा सा कॉफी टेबल है, काफी कॉम्पैक्ट सा है। बात करते हैं फ्लोरिंग की, तो फ्लोरिंग भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरत करवा रखी है कमरे में, और ऑफ वाइट कलर की इनकी फ्लोरिंग की हुई है पूरे कमरे में। और फॉल सीलिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत और स्टैंडर्ड करवाई है इन्होंने, जिसके अंदर प्रोफाइल LED लाइट्स लगी हुई है और सॉफ्ट स्पॉट लाइट लगी हुई है, तो कमरे में लाइटिंग बहुत ही प्रॉपर है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ एक ये हैंगिंग शैंडिलियर है, बहुत ही यूनिक तरीके का, बहुत ही खूबसूरत सा। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इनका डाइनिंग एरिया। तो ये है इनका ब्यूटीफुल डाइनिंग एरिया। सबसे पहले बात करते हैं मेरे पीछे वाले वॉल की, तो ये इतनी खूबसूरत वॉल है कि जब आप वहां बैठते हैं तो नजर बार बार यहाँ आती है। यहाँ पर ये MDF का पूरा पैनलिंग किया गया है और जिसके ऊपर डेको पेंट किया गया है व्हाइट कलर से। पूरे व्हाइट पैनल के ऊपर ये छोटे छोटे मिरर लगाए गए हैं जिससे इसकी ब्यूटी और इनहेंस हो रही है। इसके ऊपर छोटी छोटी स्पॉट लाइट लगी हुई है, तो यहाँ पे खड़े होके आप अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। यहाँ पर है इनका 4-सीटर डाइनिंग टेबल, अगेन इसकी चेयर आप देख रहे हैं व्हाइट कलर से है, और ये ग्लास का पूरा इनका डाइनिंग टेबल है। यहाँ है इनका एक छोटा सा चेस्टर, आप इसको कैबिनेट भी कह सकते हैं, और ये आप देखिए बहुत ही खूबसूरत एक मेटल का ट्री है, ये आजकल बहुत ट्रेंड में है। इस तरीके के खूबसूरत से ट्रीज आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। लिविंग रूम तो आपका बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर इंटीरियर करवाया है आपने, और आपकी बालकनी भी बहुत सुंदर है। मैं चाहती हूँ कि अपनी बालकनी आप लोग खुद हमारे व्यूअर्स को दिखाइए और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। तो बालकनी दिखाता हूँ मैं आपको, आइए। तो यहाँ पे हमने ग्लास फसाद लगाया हुआ है और वुडन फिनिश का फ्लोरिंग है, सिरामिक फ्लोरिंग बट वुडन फिनिश। तो कॉन्सेप्ट ये था कि हमें एक सिटिंग स्पेस चाहिए थी और साथ में गार्डन भी चाहिए था, तो हमको एक गार्डन व्यू, और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने एक वॉल बनाई है विच इज़ लाइक अ वॉल डेकोर है एक्चुअली, है तो वर्टिकल गार्डन एंड सो सब प्लांटेशन आप देख रहे हैं पूरा, जितना हो सके उतना कर रहे हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमने किचन से एग्जिट डोर भी रखा है गार्डन में आने के लिए बालकनी में, और जो यूटेंसिल्स जो है पूरा यहाँ से ही, मतलब काम वाली भाई बाहर से आके सीधा यहीं पे यूटेंसिल्स करती है। वॉशिंग मशीन और ड्रायर दोनों रखा है ताकि कपड़ा सुखाने का लटकाने का भी इशू नहीं, सब कुछ एक ही जगह पे हो जाता है, और बर्तन सुखाने के बाद यहीं पे वो डाल देते हैं। आगे आएंगे यहाँ पे हमने एक हाइड्रोपोनिक किट है, ये वर्टिकल गार्डन किट है, तो एक लेयर पे 4 प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स हो गए, वाइन्स हो गए, टमाटोज एंड ऑल दैट, और ऐसे 8 लेयर तक जाता है। अभी फिलहाल मैं 4 पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसको बढ़ाऊंगा। और ये कंपोस्ट है, तो किचन का जितना भी वेस्ट आता है वो इसमें डाल के फिर इसी को कंपोस्ट करके हम लोग प्लांटेशन में यूज करते हैं। और यहाँ पे हमारे पेट्स है,
ये थी इनकी ब्यूटीफुल बालकनी। आइए अब मैं आपको इनका किचन दिखाती हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ये पहले ऐसा नहीं था, यहाँ पर एक वॉल थी, इसको इन्होंने गिरा करके किचन को ओपन किया है, साइज में इसको बड़ा कर दिया है और अपने लिविंग रूम से इसको अटैच कर दिया है। और यहाँ इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्टीशन कराया हुआ है, बहुत ही प्यारा लैमिनेट है और छोटे छोटे इसके अंदर ये नीश बने हुए जिसके अंदर प्यारे प्यारे इन्होंने आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से किचन का पार्टीशन किया गया है। सबसे पहले यहाँ आता है इनका बड़ा सा फ्रिज, और फ्रिज को देख के आप समझ गए होंगे कि इनको घूमने फिरने का कितना शौक है, कितने ढेर सारे इन्होंने सुवीनियर्स लगा रखे हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ से वहाँ की एक निशानी लेकर के आते हैं। किचन इनका पूरा मॉड्यूलर है और बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके किचन को बनाया गया है। अंदर आ जाइए, मैं आपको दिखाती हूँ। किचन को इन्होंने ग्रे और वाइट कलर से कंबाइन किया हुआ है। यहाँ पर इनके स्टोरेज हैं और मॉड्यूलर किचन है। मैं आपको इनका ये एक क्रॉकरी यूनिट दिखाती हूँ, ये बहुत ही स्पेशल है। ये देखिए, ये पूरा हाइड्रोलिक पे है और आसानी से अप होता है। और यहाँ पर इन्होंने अपने कुछ क्रॉकरीज वगैरह लगा रखी हैं। तो ये एक मुझे बहुत ही अच्छा दिखा, इनके किचन में एक यूनिक चीज दिखी। अंदर आप देखिए प्रॉपर लाइट लगा हुआ है, तो ये इनके किचन में मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। काफी स्मूथली बंद भी हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत। और किचन के पीछे वाले जो वॉल है इसके ऊपर ये पूरी बहुत ही खूबसूरत सी टाइल्स लगी हुई है, वो भी ग्रेइश और मस्टर्ड और वाइट का मिक्सचर है। अंदर इसके प्रोफाइल लाइट लगी हुई है जिससे कि काफी काउंटर टॉप पर रोशनी बनी हुई है। इस साइड में भी इनका पूरा सारा क्रॉकरी का और पेंट्रिक सेक्शन है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक अलग चीज। इन्होंने अपना आरओ यहाँ पर फिक्स करवाया है। ये इनका 5 लीटर का टैंक है और इन्होंने इसको अंदर की ओर फिक्स करवाया है बहुत ही अच्छे तरीके से काउंटर टॉप के अंदर, और ये पूरा कवर्ड रहता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है इनका हॉब, यहाँ पर इनकी चिमनी लगी हुई है। और इनके किचन में आप जो भी इनके कबर्ड्स और ड्रॉर्स देख रहे होंगे, इसमें आपको दिख रहा होगा कहीं भी कोई हैंडल नहीं है। इन्होंने कहीं भी अपने किचन के ड्रॉर में हैंडल्स नहीं लगाए हैं। ये देखिए, काफी सॉफ्ट क्लोज है, आसानी से खुलता है और आसानी से बंद हो जाता है। और इन्होंने ट्रॉली कम लगवाई है अपने किचन में, क्योंकि जनरली ट्रॉली लगवाने से उसको साफ सफाई में प्रॉब्लम होती है। जिन्होंने इनका किचन का डिजाइन किया था उन्होंने इनको सजेस्ट किया कि आप इस तरीके से शेल्फ बनवाएंगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। किचन के ऊपर भी फॉल सीलिंग की गई हुई है, प्रॉपर लाइट है किचन में। मैंने आपको पूरे किचन का टूर कराया है। एक चीज जो मुझे पूछनी है मंदार जी से, मैं आप लोग के सामने ही पूछती हूँ कि आपने अपना आरओ ऊपर ना फिक्स करा करके नीचे क्यों करवाया है? तो नॉर्मली सब जगह आपने देखा होगा कि ऊपर ही होता है, बट हमारे इधर स्पेस कंस्ट्रेंट थी तो हमने यहाँ पे सब बर्तन रखे हैं। और फिर आरओ कहाँ रखे या प्यूरिफायर क्या रखे, तो उसके लिए मुझे बहुत ढूंढने के बाद ये मिला है। तो इसमें 5 लीटर की टंकी है तो पानी इसमें जमा होता है और फिर हाइड्रोलिक प्रेशर से पानी ऊपर आता है। तो यहाँ पे पीने का पानी हम डायरेक्ट ले सकते हैं टैप से। और ये जो मिक्सर है इसमें हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और मिक्सर। और अगर बर्तन साफ करना हो पास से तो ये ट्यूब बाहर निकलती है तो आपको प्रेशर मिल जाएगा। ओके, तो मतलब ये 3-in-1 है। ये 3-in-1 है। वाओ, ये तो एक बहुत ही अच्छी और यूनिक चीज है अपने किचन में करने के लिए कि आपको बार बार आरओ खोल के पानी नहीं लेना है, यही से आप डायरेक्ट पानी ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अब इनके गेस्ट रूम की तरफ। तो डाइनिंग टेबल से लगा हुआ ये है इनका गेस्ट रूम, डोर से ही लगा हुआ ये इनका एक वॉल है। यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा स्टडी टाइप का टेबल बनवाया हुआ है, उसके साथ एक चेयर है और यहाँ पर छोटी छोटी सॉफ्ट फर्निशिंग की हुई है। बात करते हैं इस कमरे के वार्डरोब की, तो यहाँ पर ब्राउन और कैपेचिनो कलर का
इन्होंने थीम रखा हुआ है अपने वार्डरोब का, और यहाँ पर इनका एक ड्रेसर है जहाँ पर आप खड़े होकर के रेडी हो सकते हैं, और कमरे में भी फॉल सीलिंग की हुई है। तो ये था इनका पहला रूम, आइए चलिए बाकी के कमरे भी देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं इनके पैसेज में। पैसेज का साइज भी काफी बड़ा है और पैसेज के ऊपर ये खूबसूरत तीन हैंगिंग लाइट्स लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत दिखती है, और इसके ऊपर भी बहुत प्यारा कट्स दिया गया है, फॉल सीलिंग किया गया है। तो सबसे पहले पैसेज से लगा हुआ है इनका ये पूजा रूम है, पूजा का स्टडी रूम भी आप इसको कह सकते हैं, और इसकी डोर बहुत ही खूबसूरत है। आइए मैं आपको इसको अच्छे से दिखाती हूँ। इस पूरे डोर पर स्वास्तिक है, ओम है, शुभ लाभ, शंख, कमल। तो ये इनका मंदिर है जिसके अंदर मंदार भैया ने अपना ऑफिस सेटअप भी कर रखा है। आइए चलते हैं, और इसका हैंडल देखिए कितना प्यारा है। क्योंकि 2 साल से कोविड चल रहा है तो लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर अपना छोटा सा एक ऑफिस सेटअप बना रखा है। आइए मैं आपको इनका मंदिर दिखाती हूँ। तो ये है इनका बहुत ही सुंदर सा टेंपल यूनिट जो कि बहुत ही क्लासी लुक दे रहा है। आप इसको देख रहे होंगे, ऊपर इसमें गोल्डन पेंट किया गया है और नीचे यहाँ पर पूरा वुडन का इस पे लुक दिया गया है, और छोटी छोटी इसमें घंटी लगी हुई है। यहाँ पीछे आप देख रहे होंगे मेरे, ये एक विंडो है। तो आइए अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं बाकी का रूम। तो ये है इनका कॉमन वॉशरूम, इसमें इन्होंने व्हाइट और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन रखा है। यहाँ बगल में बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने मिरर लगा रखा है, और यहाँ आप इसका वॉश बेसिन देख रहे हैं, वो भी ग्रेइश कलर का है। और ये है इनका वैनिटी जिसके अंदर ये अपने वॉशरूम में यूज होने वाली सारी चीजें रखते हैं। ऊपर इन्होंने शार लगा रखा है, छोटे छोटे स्पॉट लाइट है, तो बाथरूम में भी प्रॉपर लाइटिंग की गई है। आइए चलते हैं इनके बच्चों के रूम में। बच्चों के रूम में जाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ इनके पैसेज में इन्होंने कितने अच्छे से स्टोरेज निकाल रखा है। ये देखिए काफी बड़ा और काफी सामान इसके अंदर आया हुआ है, इन्होंने बहुत अच्छे से इस एरिया को यूटिलाइज किया है। अब चलते हैं इनके बच्चों के रूम में, और बच्चों के रूम की जो थीम है मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ आप सब लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। आ जाइए। तो ये है इनके बच्चों का कमरा। इस पूरे कमरे में इन्होंने डेनिम थीम रखी है, तो इस पूरे कमरे को इन्होंने ब्लू और व्हाइट कलर से कॉम्बिनेशन किया हुआ है, पिंक फॉर गर्ल्स, ब्लू फॉर बॉयज जैसा कि कहा जाता है। और इसमें सबसे जो अट्रैक्टिव चीज है वो है इसकी सीलिंग। यहाँ पर इन्होंने स्टार स्काई सीलिंग करा रखी है, बहुत ही खूबसूरत। लाइट बंद होने पर ये पूरा छत तारों की तरह जगमगाता है, चमकता रहता है, बहुत ही सुंदर सा लगता है। और ये देखिए जैसे लग रहा है कि किसी जींस के कपड़े को काट करके इस पूरे कबर्ड को बनाया गया है, इस पूरे यूनिट को बहुत ही खूबसूरत से बनाया गया है। ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं इनके बच्चों की अचीवमेंट्स है जिसको यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले कर रखा है। दरवाजे के जस्ट ऊपर ये एक पुलअप बार है। तो इनका जो किड्स रूम है ना वो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पर है इनका क्लोजेट। इन्होंने अपने बच्चों का वार्डरोब बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में डिजाइन करवाया है। सिंगल वार्डरोब रखने की जगह पर इन्होंने इसमें ढेर सारे ड्रॉर्स बनवाए हैं। ड्रॉर्स रहने से चीज़ें आप अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चीज़ें मेस्ड अप नहीं होती हैं, और बच्चों की सारी चीज़ें अलग अलग ड्रॉर्स में रखी रहती हैं तो बच्चों को पता होता है कि किसमें क्या है। बच्चों के रेडी होने के लिए यहाँ पर ये एक मिरर है। वार्डरोब के बाद बात करते हैं बच्चों के स्टडी यूनिट की। तो बच्चों का स्टडी यूनिट भी बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत है। कितने अच्छे तरीके से इस कमरे को यूटिलाइज किया है, इस स्पेस को यूटिलाइज किया है,
और कस्टमाइज उन्होंने बेड बनवाया है ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसको ओपन और क्लोज कर सके, तो आपका कमरा काफी स्पेशियस हो जाता है। फ्लोरिंग भी बहुत खूबसूरत है इस कमरे की। इस वॉल पर इन्होंने एक बुलेट क्लॉक लगाया है जो कि बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और इस कमरे में आप ये देख रहे हैं कर्टन कितना खूबसूरत है। और अब चलिए मैं दिखाती हूँ इसकी बालकनी। इस कमरे का ये बेड बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक है। मैं चाहती हूँ कि मंदार जी ये खोल करके दिखाएं आपको। ओके, अभी आपने देखा ये सिंगल बेड लग रहा था, अभी आपको खोलने के बाद ये डबल बेड में कन्वर्ट हो गया। आर्यन और विहान का ये मत सा बेड है। चलिए अभी देखते हैं इनका मास्टर बेडरूम। तो ये है इनका शानदार और लेविश बेडरूम। बेडरूम का साइज काफी अच्छा और काफी बड़ा है और पूरे कमरे में देखिए कितनी प्रॉपर लाइटिंग की गई है। वार्म व्हाइट और येलो लाइटिंग है कमरे में। ऊपर ये छोटे छोटे हैंगिंग लाइट्स लगे हुए हैं और ये इनका बेड जो कि काफी रॉयल लुक दे रहा है। और इसका हेडबोर्ड आप देखिए बहुत ही शानदार और बड़ा है। और इसके दोनों साइड में छोटे छोटे बेड साइड टेबल लगे हुए हैं और उसके बगल में प्लांट्स रखे हुए हैं। बेडरूम के इस वॉल पर इन्होंने गोल्डन वॉलपेपर लगवाया है और इस पूरे कमरे में भी बहुत अच्छे से फॉल सीलिंग की गई है। बात करते हैं इस वॉल की, तो यहाँ पर इन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा वार्डरोब बनवा रखा है, ये स्लाइडिंग वाला। और ये आप देख रहे हैं ये मिरर, ये जो डिजाइन की गई है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा, मैंने कहा ना कि पूरे घर में छोटी छोटी सॉफ्ट फर्निशिंग की गई है, तो वो ये है। यहाँ पर एक ये शेल्फ है वुडन का जिसके अंदर कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे हुए हैं। बहुत ही मिनिमल डेकोरेशन है बट बहुत ही डिसेंट लुक आता है पूरे कमरे का। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनका वॉशरूम। आ जाइए, तो वॉशरूम से पहले आपको मैं दिखाऊं कि ये डोर के ऊपर भी बाहर की ओर वुडन पैनलिंग की गई है। तो इस वॉशरूम का साइज काफी बड़ा है, अच्छा है। और इसको इन्होंने वेट और ड्राई एरिया अलग अलग है। यहाँ पर इन्होंने ये एक कर्टन लगाया है और आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये एक रबर की पाइप है जिससे कि पानी उस साइड बिल्कुल भी नहीं जाता है। और ऊपर आप देख रहे होंगे ये एक एसीपी की पैनलिंग की हुई है जिसके अंदर छोटी छोटी सी स्पॉटलाइट लगाई गई है। और इन बाथरूम की जो वॉल की जो टाइल्स है वो आइवरी कलर की है, बहुत ही खूबसूरत और शाइनिंग और ग्लॉसी लुक आता है। और यहाँ पर है इनका ये वैनिटी टेबल जिसके अंदर सारे सामान रखे हैं। और ये रोज गोल्ड कलर का बहुत ही खूबसूरत सा इनका वॉश बेसिन है, उसी का मैचिंग करता हुआ यहाँ पर इनका ये मिरर है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं बहुत ही छोटी सी प्यारी सी लाइट लगाई गई है सो दैट कि आप अच्छे से यहाँ पर रेडी हो सके। तो बाथरूम में भी लाइट प्रॉपर है। तो ये इनका खूबसूरत सा बेडरूम, मजा आ गया देख के ना। Thank you.
आपने देखा कितना खूबसूरत है मंदार और प्राची का घर और कितना प्यारे तरीके से इन्होंने अपने घर को मेंटेन किया है और बहुत ही खूबसूरती से अपने घर को सजाया है। तो जाते जाते मैं आप दोनों लोगों को फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका घर इतना खूबसूरत है और आपने हमें अलाउ किया अपने घर के टूर के लिए। थैंक यू सो मच। और आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, आप दोनों वर्किंग, हमने बहुत समय ले लिया आपका, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आप दोनों के लिए, थैंक यू। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे बारे में या हमारे चैनल के बारे में तो प्लीज, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आपने बहुत ही अच्छे से घर, हमारा घर सबको दिखाया है और हमें भी एक नए नजरिए से अब हमारा खुद का घर देखने को मिल रहा है आपके वाणी के थ्रू। और हमारी तरफ से आपको बहुत बधाई और बहुत ही बेस्ट ऑफ लक कि आपका चैनल जल्दी आपको सिल्वर बटन, गोल्ड बटन मिल जाए और बहुत ही आपका चैनल और ऊपर चले जाए। और हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट रोटरी की तरफ से है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो ये था मंदार और प्राची का बहुत ही खूबसूरत, स्टाइलिश और क्लासिक घर। अब मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे आइडियाज के साथ। तब तक देखते रहिए आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। बाय।